हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना रेन लाइफस्टाइल। तो हो रही है पूजा के लिए लेट हो गई हूँ मैं रेडी। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मल बोलते हैं फेस वॉश करके रेडी हो गई हूँ। और चलो चलते हैं पूजा करने। नीचे जा चुके हैं सब लोग और मेरा खाना वाना बनने में थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ मैं। तो चलो पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद आप लोग स्वागत करते हैं। ओके चलिए। हाँ धीरे धीरे धीरे। गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जग पर पिता महादेव। आई है ये रे मेरे भगवान जी। ये काम मत हैप्पी दिवाली सभी को। और ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट जाने वाली है, थोड़ी क्या बहुत लेट जाने जा रही है। और वही होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे एडिटिंग करने में, और जब मैं टाइम मिलता है तभी एडिटिंग कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हम लोगों ने पूजा कर ली थी, और पूजा करने से पहले थोड़ा सा ना मैं लेट हो गई थी, हर काम में ही लेट हो गई थी। यहाँ मैं दिया जला जला के मम्मी को दे रही थी कि मम्मी आप जला दो जहाँ जहाँ आपको जलाना है, और क्योंकि उनको अच्छे से पता है कहाँ जलाना है कहाँ नहीं जलाना। नीचे वो मम्मी ने बाहर जलाया और फिर घर में जलाया सारे रूम में। हमारे नीचे तीन रूम है छोटे छोटे, एक मतलब एक बड़ा रूम है जिसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं, जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, तो इसी में मंदिर रखा हुआ है। और फिर दो छोटे रूम है, तो सब में दिया जलाने के बाद फिर फाइनली ये हुआ था कि मैंने ठीक है मम्मी पहले आप जला दो, मैं दिया जला जला के दे दूँगी। ये मतलब ये होता है ना कि काम बहुत सारा, मतलब दिवाली के ऐसा लगता है कि बहुत कम काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के पास बहुत सारा काम होता है। तो मैं पूजा करने से पहले ही ना मैंने सोच लिया था इस बार कि ना मैं हर बार क्या करती थी, खाना रेडी होने के बाद पूजा वूजा करने के बाद खाना बनाती थी, तो उसमें ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं, क्योंकि रेडी भी हो जाओ उसके बाद फिर लोग भी आ रहे होते हैं, मिलना उलना होता है, तो उस टाइम पर ना मैं खाना बनाने में किचन में रहती हूँ। तो इस बार मैंने क्या किया था, मैं पहले ही खाना बना लिया था। मैंने सोचा कि नहीं पहले खाना बना लूँगी। खाना बनाते बनाते मैं लेट हो गई थी स्पेशली, पर फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद मैं गई नीचे, और मेरा मन था कि मैं रंगोली बनाऊं, बहुत छोटी सी ही बनाऊंगी पर बनाऊंगी ज़रूर। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं गई रंगोली बनाया, और बना के मैं ऊपर आई कि मैं रेडी हो जाऊंगी, इतने में बूबू गया नीचे और उसने पूरा क्लीन कर दिया, उसको साफ़ कर दिया। मुझे लगा था कि जब मैं दिया जलाऊंगी या मम्मी जलाएंगी या कोई भी जलाएगा घर का, तो मैं छोटी सी वीडियो क्लिप बना लूँगी उसकी रंगोली की, बट ऐसा हो नहीं सका, बूबू ने साफ़ कर दिया। फिर मुझे पापा ने बताया कि बूबू ने वीडियो मतलब रंगोली ख़राब कर दी है। मैंने लगा कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, और हंसी भी आई। फिर बाद में लग रही यार बच्चे हैं, बच्चा तो यही करेगा, ठीक है जो भी है। मैंने बनाया, माता रानी ने देखा मेरी श्रद्धा को, सबसे बड़ी बात यह है। और बाबू है वो तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। फिर यहाँ पे दिया सारी जला दिया था मैंने। फिर फाइनली मम्मी ने दिया मतलब नीचे जलाने के बाद मम्मी ने बोला कि अब जाओ ऊपर जलाओ तुम, तो फिर यहाँ पे मैं दिया लेके आ रही हूँ। और मैंने किचन में सबसे पहले जलाया, फिर रूम में जलाया, और जितने मतलब सीढ़ियों पे जो रखे थोड़े बहुत, उसके बाद मैं गई ऊपर छत पे तुलसी माता के पास रखा। और ये वीडियो मैंने जो छोटी सी शूट करी है, ये पतिदेव जी ने शूट करी है, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ये छोटी सी वीडियो मेरी बनाई है। जो तो चलो चलते हैं, हमारी हो गई है पूजा, ये हमने दिए जलाए हैं घर में। चलो मेरा बुबू क्या कर रहा है देख के आते हैं। खाना वाना नहीं खिलाना इसको, अरे क्यों नहीं खाएगा, जला दिया क्या सारा?
मम्मा भी जलाएगी, मम्मा भी जलाएगी। हाँ मम्मा के लिए भी ले लो। चलो चलो जलाए, जाओ जय कर लो, माता को भी जय कर लो, मम्मा वीडियो बना देगी, जाओ जय कर, क्या हो जाओ, ऐसे करते हैं बस, वहाँ वहाँ जाके करते हैं, भाग के भागना है, बाहर बाहर भागना है। चलो खाना खाओ, बहुत देर हो गई, खाना खा लो पहले, पहले खाना खाए फिर घूमते हैं। चलो खाना खा लो पहले, चलो पहले खाना खिला दूँ आपको, नहीं तो फिर आप खाओ नहीं पाओगे। चलो चलो कहीं नहीं जाना, बोलो अभी रुको, अभी नहीं, अभी अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, कहाँ है चिल्लर पार्टी। वही देखो इसको, तो देखो इसको कोई किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे चिल्लर पार्टी खेल रही है, और ये भैया जो हैं, आपको मतलब मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो देखा होगा, तो ये पति जी के फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड है। तो तीन लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया, पहले भैया हमारे घर आए, फिर हम उनके घर गए, फिर दूसरे के घर गए, मतलब ऐसे तीन लोगों ने तीनों घर में घूम लिया, और फिर दिवाली ऐसे सेलिब्रेट करी हमने। बुबू खिलाओ, ओए खिलाओ, ओए बोलती बुबू खा, बुबू थैंक यू बोलो दीदी को, बुबू परी को थैंक यू बोलो, से थैंक यू, अभी बुबू इसको दे देगा, बोल रहे तू तू नजर न लगे दोनों के प्यार को, बड़ों को लड़ाई कर रहे हैं ठंडा नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। तो फाइनली ऐसी दिवाली मनाई हमने, और फिर दिवाली मनाने के बाद पति देव जी चले गए अपनी ड्यूटी, बस एक एक दो दिन के लिए आई आए थे दिवाली के लिए, और यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे हैं उनको छोड़ने, हमेशा की तरह ही मैं और बबू जाते हैं थोड़ी दूर रास्ते में, और उसको मैं दुकान से चीज़ दिला के वापस ले आती हूँ, क्योंकि ऐसे वो जाने नहीं देता है, पर ये होता है कि हाँ कुछ लाने जा रहे, तो इस वजह से वो अपने पापा को छोड़ने जाता है, बोलते चलो पापा ड्यूटी जाओ ताकि मुझे चीज़ मिलेगी दुकान पर, स्पेशली घूमना होता है उसको, चीज़ क्या ही खाना होता है, खाना तो है नहीं बाहर ज़्यादा चीज़ें, पर यह है कि हाँ घूमना होता है इसको। तो यहाँ पे फाइनली बोल रहा है पापा को, देखती कि सॉक्स पापा आप पहन रहे हो तो मैं भी पहनूंगी। ओके गाइस बाय बाय, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।